Good morning, students. Yes, this is the class for business studies in class 12. Hello. Good morning. Kindly join the class. Good morning to all. जल्दी जल्दी आइए सो दैट वी कैन ज्वाइन. ओके, कल जो करवाया था, डिड यू रिमेंबर दैट? कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया था? यस, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट. याद है? भूल गए? यू मस्ट हैव रिसीव्ड असाइनमेंट फ्रॉम योर स्कूल टीचर ऑल्सो. प्रैक्टिस किया उसको? हाँ जी. गुड मॉर्निंग. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. लेट्स सी. हाँ, अगेन वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कोऑर्डिनेशन. वो चीज जो आपने लाइफ में आप डेली बेसिस पर हैंडल करते हो, कोऑर्डिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस. और कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्वेश्चन गारंटेड है, आएगा ही आएगा. केसरी है वो 5 मार्क्स की आती है, 4 मार्क्स की आती है, कितने नंबर की आती है वो डिपेंड करता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आना गारंटेड है. ठीक है. देखिए, अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी. क्या? कल भी ऐसा ही हो रहा था कुछ क्लासरूम में. सो आप काइंडली फोकस ऑन दिस कि पर्सनल चैट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, खुद का ध्यान तो कहीं और है, दूसरे का माइंड भी डाइवर्ट करते हो, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती. आई हैव प्रेज दैट गर्ल, जिसके मैंने पहली बार बोला था कि उसने बहुत बातें कर रही थी उस समय, लेकिन उसके बाद से वो बच्ची ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला. राधा, आई ऑलवेज वुड लाइक टू सी योर डाउट्स. तभी तो हमारी क्लास फ्रूटफुल होगी, है ना? अगर डाउट्स ही नहीं है तो क्लास फ्रूटफुल कैसे होगी? एंड यू नो दैट आई कैन नॉट सी द कमेंट्स, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स देखने बैठा हूँ तो क्लास नहीं ले पाऊंगी. तो मुझे फोकस यहाँ रखना है, इसलिए मैं कमेंट्स बाद में देखती हूँ. तो इसका मतलब ये कि कमेंट्स मैं देखती जरूर हूँ. तो प्लीज नो रबिश टॉक व्हेन द क्लास विल स्टार्ट. ओके, तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल, क्योंकि आप सारे वहाँ बड़े बच्चे हो. आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? You know the meaning of coordination. अच्छा, ये बताओ कितने बच्चे हैं जो डांस शो वगैरह देखते हैं, परफॉर्मेंसेस देखते हैं? देखते हो ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं टीवी में. कभी इंडियाज गॉट टैलेंट आता है, कौन सा आता है, कभी जूनियर का आता है डांस, कभी बड़ों का आता है डांस, देखते हो? और खासकर अगर वो ग्रुप डांस होता है तो क्या होता है, सबके स्टेप्स एक साथ जा रहे होते हैं या किसी का इधर किसी का उधर जा रहा होता है? नहीं ना, सबके स्टेप्स एक साथ जा रहे होते हैं, और तभी उस डांस की ग्रेस निकल कर आती है. अगर सबके हाथ इधर से उधर जा रहे हैं, अगर उनके बीच में कुछ बैलेंस नहीं है, तो वो डांस देखने में मज़ा नहीं आता. सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कोऑर्डिनेटिंग कि सारे स्टेप्स एक साथ जाने चाहिए, एक साथ वापस आने चाहिए. वो अपना कोऑर्डिनेशन लेकर आ रहे हैं. सिमिलरली आजकल के डांस में डांस कम होता है और उसमें एरोबिक्स ज़्यादा होता है. कोई ऊपर से जंप मार रहा है और उसको कैच कर रहा है, मतलब पर्सन नहीं है, बॉल है. लेकिन जैसे ही बंदा गिरता है ऊपर से, उसको कैच फटाफट से कर लेते हैं. दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या? अब ये तो अभी डांस वगैरह में देखा कोऑर्डिनेशन, अब इसको एक बार मैनेजमेंट में देखेंगे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का एक बेसिक मतलब समझ में आया. कोऑर्डिनेशन सिंपली मीन्स दैट मेकिंग अ काइंड ऑफ अ बैलेंस, अ काइंड ऑफ अ हार्मनी, जो आप एक दूसरे के ऊपर करते हो. एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स होता है कि आपका सारा काम सही से हो जाता है. ठीक है, उसको भी और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. तो इस पर मैंने यहाँ पे अगर देख रहे हो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एंड यू आर सेइंग दैट मैंने कुछ सर्कल कर रखी है. क्यों सर्कल कर रखी है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर राइटिंग योर बिजनेस स्टडीज पेपर. अभी तक जो 11th में दे दिया, अब आपको 12th में, पहली बात जब आप बिजनेस स्टडीज का पेपर अटैम्प्ट करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू राइट द आंसर्स इन पैराग्राफ फॉर्म, यू आर सपोज टू राइट द आंसर्स इन पॉइंट. नॉट ओनली दिस, द यूज ऑफ की टर्म्स इज मैंडेटरी. अगर आपके आंसर में की टर्म नहीं है तो यू विल नॉट फेच मार्क्स. टीचर साहब मना कर देगा कि आपके आपने जितना मर्जी आंसर बनाकर लिखा हो, की टर्म्स आर नॉट अवेलेबल,
you will not get marks. So here I have highlighted these key terms. Let us read the first definition which I wrote. Coordination means to synchronize the various activities. कि हम जितने भी हम काम परफॉर्म कर रहे हैं वो काम को हम हमारी सिंक्रोनाइजेशन हमारा होना जरूरी है, एक बैलेंस होना जरूरी है. एंड ऑल्सो टू ब्रिंग हार्मनी एंड बैलेंस इन इट्स वेरियस एक्टिविटीज, की एक बैलेंस बना करके चलना. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, ठीक है. हार्मनी एंड सिंक्रोनाइजेशन आर द टू की टर्म्स विच वी हैव टू फोकस अपॉन. माइंड, लेट अस अज्यूम दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर हैविंग मेजरली फोर डिपार्टमेंट्स: production, marketing, finance and human resource, personnel. इसको हम बोलते हैं. हमारे पास मेन हमारे फोर हमारे टॉपिक्स होते हैं. अब सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मुझे बनाना है, पहले टारगेट डिसाइड होता है कि कंपनी ने कितना सामान बनाना है. तो लेट अस अज्यूम दैट वी नीड टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स. अब कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि हर एक में क्या है. अब 10,000 यूनिट्स बनाने का जिम्मेवारी किसकी है? डेफिनेटली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग. फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल दीज थिंग्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड्स वेरियस हेल्प. किससे चाहिए? कंट्रोल व्हाट एवर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस शुड बी कैपेबल ऑफ सेलिंग इन द मार्केट. तो दिस टारगेट शुड बी सेटअप वाइल हैविंग अ कंसल्टेशन विद द मार्केटिंग मैनेजर कि हाँ जितना प्रोड्यूस हम कर रहे हैं उतनी मार्केट में डिमांड है एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड आउट इन द मार्केट. अगर आप ओवर प्रोड्यूस कर देंगे एट इज नॉट गोइंग टू सेल आउट इन द मार्केट देन देयर इज नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ वन प्रोडक्ट्स. तो इट विल लीड टू ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. तो पहले जो टारगेट सेट किया जा रहा है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे डिस्कस करने के बाद कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस समय डिसाइड किया कि हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान बनाने के इट नीड्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन कौन से? उसको पैसा चाहिए. कौन ला करके देगा? वो विल प्रोवाइड ऑल द फंड्स. डेफिनेटली फाइनेंस है. और सामान को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड पर्सनल. वो पर्सनल वो स्टाफ मुझे कौन प्रोवाइड करने वाला है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. पहली बात फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको टाइमली फंड्स अवेलेबल कराए ताकि रिसोर्सेज वो टाइम से अरेंज कर सके. देयर आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने उसको स्टाफ प्रोवाइड किया ताकि सामान मेरा प्रोड्यूस हो सके. और जो भी मेरा प्रोड्यूस हुआ शुड बी सोल्ड आउट इन द मार्केट. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सिर्फ बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. व्हाइल प्रोड्यूसिंग द थिंग्स इफ ही हैज सीन देयर आर सर्टेन चेंजेस और देयर सम कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू कम अप इन द मार्केट एंड द कस्टमर आर लुकिंग फॉर सम चेंज तो ही हैज टू इन्फॉर्म द प्रोडक्शन हेड इन एडवांस सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली. तो जो भी आप बनाने जा रहे हो देयर शुड बी अ बैलेंस. इनके बीच में आपस में बातचीत का होना बहुत जरूरी है. बातचीत होगी तो टाइमली फंड्स भी अवेलेबल होते रहेंगे, लोग भी मिलेंगे, समान टाइम से हमारा बिकता भी जाएगा. तो दिस इज टर्म्ड एज योर कोऑर्डिनेशन. अब ये वाला एग्जांपल समझने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा सो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बैडमिंटन. खेलते हैं. अच्छा कभी बैडमिंटन टीम में खेला? टीम में कैसे खेलते हैं? लेट अस अज्यूम कि दो मेंबर्स इस तरफ हैं और दो मेंबर्स इस तरफ हैं. क्लियर? अगर दो मेंबर्स हैं तो क्या हो जब बैडमिंटन हम खेलने लगते हैं कि हम ऐसे हैजार मैनर में खेलते हैं? नहीं, हम हमेशा एक प्लान बना लेते हैं कि जो अगर मेरे दो पार्टनर्स हैं तो मैं एक को कहूँगी तू आगे वाल जब भी शटल आगे आएगी तो तुम मारना, पीछे आएगी तो मैं मारूंगी. ठीक है, अगर राइट साइड पर आएगी तो तुम मारना, लेफ्ट साइड पर आएगी तो मैं मारूंगी. एक कोऑर्डिनेशन हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि जब भी हम गेम खेलें तो एटलीस्ट हमें आगे पीछे भागना ना पड़े. ये ना हो कि एक ही बार शक्ल आए और दोनों ही मारने के लिए उसको मारते. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द एक्टिविटीज वेदर इट इज अ बिजनेस और वेदर इट इज अ गेम और वेदर इट इज अ डांस. तो कोई भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है कोऑर्डिनेशन हमें उस चीज में चाहिए. सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन में एक बार इसके थर्ड एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. तो पहला हम लोगों ने वर्ड हमने लिए थे दैट वाज सिंक्रोनाइजेशन. आई थिंक दैट दिस वर्ड इज नाउ अंडरस्टूड बाय ऑल दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्योंकि उसका इफेक्ट दूसरे पर होने वाला है. तो दोनों के बीच में एक बातचीत होना, बैलेंस काम होना. तो सेकेंड की टर्म इज हार्मनी विच यू हैव टू यूज इन योर आंसर. एंड द थर्ड
term is a binding force. कोई भी चीज हो तो coordination is a binding force between various department. और ये सब कुछ मुझे क्यों चाहिए? To achieve my organizational goals. Yes. So coordination brings a binding force with the help of which we can achieve our organizational goals, ensuring that we all are moving in the same direction. जो मैं organization को achieve करना चाहती है वो हम achieve कर रहे हैं. ठीक है? So this is the basic meaning of coordination. एक example और दूंगी please. ये मत कहना कि मैम बहुत ज्यादा हो गया, but still it is little bit necessary, इसलिए ले लेंगे. अब सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करेंगे. ठीक है? Let us assume that we are producing a car. कोई भी ऑटोमोबाइल हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो सारा प्रोडक्शन एक ही डिपार्टमेंट में तो नहीं हो जाता. हम उसको क्या करते हैं? हम उसको कैटेगराइज करते हैं. तो let us assume कि मैंने कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही फर्दर सब डिविजन कर दी. क्या? कि एक डिपार्टमेंट क्या बनाएगा? टायर बनाएगा. एक अंदर के इंटीरियर्स वो बनाएगा. एक अंदर एक इंजन वगैरह, एक बॉडी, और लास्टली जो हमारा बनाएगा वो असेंबलिंग रहेगा. यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा है डिपार्टमेंट 5 बनाने वाला है. तो मुझे कितना सामान मुझे बनाना है वो सब चीजों की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं. अगर मुझे 1000 कार्स बनानी है विद इन अ मंथ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कितने टायर्स बन जाने चाहिए? इट शुड बी 4000. हमारा इतना हम हमको मिनिमम प्रोड्यूस करके रखना ही रखना है. ठीक है? ताकि मेरा टारगेट अचीव हो सके. उसके अकॉर्डिंगली मुझे जितने भी इंटीरियर्स वगैरह चाहिए, मुझे उनके लिए कवर्स वगैरह चाहिए, मैट्स वगैरह चाहिए, या मुझे जो भी अंदर की रिक्वायरमेंट है उतनी यूनिट्स सीट्स वगैरह मुझे वो चाहिए. तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास पीछे की बैक सीट एक बड़ी होगी और दो हमारी अप फ्रंट की 2 सीट्स होगी. सो इन टोटल 3 सीट्स. तो 3 × 1000 आई नीड 3000 सीट्स एंड ऑल. इंजन हर कार में एक ही इंजन लगने वाला, जो भी हमारे फटेक्स वगैरह होने चाहिए. सो ऑल दैट शुड बी 3000 यूनिट्स. इन टोटल 3000 बॉडी शुड बी रेडी बाय द एंड ऑफ द, नॉट बाय द एंड बट इट शुड बी रेडी. सो के एंड असेंबल डिपार्टमेंट क्या करता रहेगा? इन सबसे अपना सामान लेता जाएगा और अकॉर्डिंगली अपनी कार प्रोड्यूस करता जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, आपस में पूरी बातचीत हो रही है ना. अगर यहीं से पता चल जाए कि नहीं इतनी कार्स नहीं बनानी, थोड़ा चेंज करके लाना है, he has to intimate every subdivision ताकि आप उतना ही बनाए जितने की रिक्वायरमेंट है. ज्यादा ओवर प्रोडक्शन ना हो ना ही वो अंडर प्रोडक्शन हो. सो दिस इज कॉल्ड, इट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन. ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वेरियस मेन मेन डिपार्टमेंट्स में नहीं, उसको फर्दर भी अगर हम सब डिवाइड करें तो वहां पर भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर? चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है? ये कोऑर्डिनेशन होता कैसा है? सो सबसे पहले फीचर हम लेते हैं दैट इट इज एन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट. काइंडली नोट द हेडिंग ग्रुप एफर्ट. ये हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक अकेला पर्सन पूरी कंपनी नहीं चला रहा है, कोई भी काम अकेले नहीं कर रहे. हमें हर काम को करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ वन अनदर. कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि काम मेरा ठीक से हो सके. तो ये इंटीग्रेट कर रहा है. इंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ कि सभी के आपस, किसी के भी आप पर जो है ना वेस्ट नहीं जाने चाहिए. जो आप कर रहे हो वो सब एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हो. तो सबके एफर्ट्स दे शुड बी मूव इन अ यूजफुल डायरेक्शन, दे शुड नॉट लीड टू वेस्टेज. या सो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. सेकेंड फीचर इज दैट इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. हाँ जी, दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ. अभी हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? टायर का लिया था ना, कि एक मुझे ऑटो कार बनानी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसने अपने काम को किस तरीके से डिवाइड किया. तो जहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा टायर बना रहा है उसको एटलीस्ट 4000 टायर बनाकर रखने हैं, इंजन 3000 मेरे बन जाने चाहिए. जब क्या है, वी ऑल द डिपार्टमेंट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कि मेरे 3000 कार्स
should be ready by the end of the month. तो अगेन हमारा इंश्योर कर रहा है कि मेरा जो एक्शन है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सबका एक ही गोल है. करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट वी ऑल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्लियर? देयर आफ्टर द थर्ड इंपॉर्टेंस इज और फीचर इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बार बार बात करनी पड़ती है. अपना एग्जाम्पल है, जब एग्जाम होते हैं हम लोगों के स्टार्ट होते हैं और पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो ठीक है, समटाइम वी गो फॉर ग्रुप स्टडी ऑल्सो. ग्रुप स्टडी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, खासकर अगर हम बात करें बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट की, जो कभी कभी तो बहुत नींद आती है उसको पढ़ने में. तो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ कि व्हाट आई यूज टू डू, मैं ग्रुप स्टडी क्या करती थी, वी यूज टू सेट इन अ ग्रुप और अपने फ्रेंड्स को बोला दो चैप्टर मैं तैयार करती हूँ. मैंने अपनी तरफ से दो चैप्टर रेडी करे, बाकी के चार चैप्टर मेरे यहाँ रेडी हो रहे हैं. उसके बाद वी विल गो अहेड विद द डिस्कशन. हर एक की पॉइंट जो हमने हैं वो डिस्कस कर लिए. तो दो चैप्टर मेरे यहाँ से तैयार हो गए, दो चैप्टर मेरे यहाँ से तैयार हो गए, दो मैंने खुद ही करे थे, वो भी हम डिस्कस करूंगी, वो भी मैं अपने. यानी कुल मिलाकर मेरे कितने चैप्टर्स हो गए, 6 चैप्टर्स हो गए कि नहीं हो गए. तो यानी कि ये तो नहीं कि मैं एक ही बार एग्जाम आएगा तो ही हम ऐसा कोऑर्डिनेट करेंगे. कुछ भी काम करना हो हम हमेशा उसको कोऑर्डिनेट करते हैं. अगर हम अकाउंट्स की बात करें, चैप्टर समझना है, चैप्टर समझने के लिए भी हम आपस में फ्रेंड्स कर फोन, अगर घर पर इकट्ठे नहीं बैठे हो तो फोन पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इसको ऐसे ले. प्रोजेक्ट बनाते समय ऐसा हम काम करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द वर्क विच ऑलवेज कीप ऑन. तो कभी कोई टास्क है, कभी कोई टास्क है, डिफरेंट गोल्स होंगे तो डिफरेंट हमारे वे ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होगा. सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट ऑलवेज गोइंग ऑन. कभी एक काम को करने के लिए, कभी दूसरे काम को करने के लिए. अच्छा, कोऑर्डिनेशन का एक बेस्ट एग्जांपल मुझे दीजिए, विच यू सी इन योर डेली लाइफ. स्कूल में आपको सबसे पहले नजर आता है, दिस इज योर टाइम टेबल. क्यों टाइम टेबल क्यों जरूरी है? अगर मानो कि इन योर स्कूल द टाइम टेबल इज नॉट देयर, व्हाट विल हैपन? पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है. ना बच्चों को पता कौन सी क्लास होनी है, ना टीचर को पता कौन सी क्लास होनी है. उसके बाद सारे टीचर इकट्ठे एक ही क्लास में पहुंच जाए और बच्चे सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना. टाइम टेबल क्या है? इट हेल्प्स टू ब्रिंग डिसिप्लिन. यहाँ पर टीचर को भी मालूम है मुझे कहाँ जाना है, यहाँ बच्चों को भी मालूम है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. तो कोई भी क्योस, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्लैशेस जो हमारे नहीं होते. तो इट ब्रिंग्स योर डिसिप्लिन, ठीक है ना. हमारा कोई भी काम जो होता है वो हमारे एक ऑर्डरली वे में सही तरीके से होता है. तो अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन आप नहीं कर सकते, ठीक है. तो इट इज वेरी मच नेसेसरी. सो ये तीनों हमारे पॉइंट डिस्कस हो गए. इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि जो हम सारा काम कर रहे हैं ग्रुप में कर रहे हैं, तो कोई भी एक्टिविटी हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए. इट शुड मूव इन द करेक्ट डायरेक्शन. तो कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो, कोई अपना टाइम बर्बाद ना करे, तो ये हमें इंश्योरिटी देता है. देयर आफ्टर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि हाँ हम जो भी काम कर रहे हैं दैट इज मूविंग टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एंड लास्टली इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब आगे मूव करते हैं. अब तो मेरे ख्याल से इस टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर जगह पे मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं हम ये टर्म बार बार यूज करते हैं. क्या मतलब है पर्वेसिव का? यस, इट मींस यूनिवर्सल, इट मींस इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो अभी तो मैं डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ नहीं चाहिए हमें, हमें हर जगह चाहिए. हमें डांस करना है तो चाहिए, हमें खेलना है बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कैसे मुझे सामने वाले को हराना है, कैसे हमें अपनी ट्यूनिंग सेट करनी है. हम इवन हम आई कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हम अपने टीम पार्टनर को बता देते हैं कि किस तरीके से आपने अपोजिट पार्टी के ऊपर अटैक करना है, ठीक है. तो चाहे गेम हो, चाहे डांस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन चाहिए. ना ही सब जगह चाहिए, रादर एट ऑल द लेवल्स. चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो सुपरविजन यानी कि ऑपरेशनल लेवल. At every level, coordination is required. तो चाहे वो business organization है, चाहे वो non-profit organization है, dispensary है, temple है, हर जगह पर coordination की हमारी requirement होती है. Yeah. Thereafter, let's, the next is
responsibility of all the managers. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे थे. कोऑर्डिनेशन में यानी कि तालमेल बैठाना. तालमेल बैठाने का मतलब क्या हुआ? तालमेल बिठाने का मतलब ये है, पहली बात काम कौन कर रहा है? वर्कर्स में से के लिए काम कर रहा है. वर्कर्स को काम करवाने के लिए मैनेजर को पता होना चाहिए कि क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, एंड विद इन व्हाट टाइम पीरियड मेरा इतना काम हो जाना चाहिए. सो मैनेजर इज कीपिंग अ चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स. ही इज कीपिंग अ चेक कि क्या काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर क्या सामने वाले को काम करना आ रहा है, नहीं करना आ रहा, तो क्या उसको दिक्कत आ रही है, उसको हेल्प किस तरीके से करनी है. देन मतलब ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर. तो चाहे वो टॉप लेवल पे हो चाहे वो लो लेवल पर हो. टॉप लेवल पे हम लोग क्या करेंगे? पॉलिसी फ्रेम करेंगे. पॉलिसी फ्रेम करने के लिए मुझे उतने रिसोर्सेज मेरे पास होने चाहिए. नहीं है तो उसको अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा. तो हर लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. टारगेट अचीव कर देना और रिसोर्सेज ना देना वुड नॉट लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. या सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर. चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, दे हैव टू इंश्योर कि काम पूरा डिसिप्लिन वाइज हमारा हो रहा है. ठीक है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर. एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज डेलिबरेट फंक्शन. जो जानबूझ के किया जाता है. अगर हम टाइम टेबल ही नहीं बनाएंगे तो स्कूल रन कैसे करेगा? तो डेलिब्रेटली यू हैव टू डू दिस. आपको ये काम करना ही करना है. अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? इट इज बेसिकली एवरीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जीरो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्टेटमेंट कि अगर कोई भी आप काम करने जा रहे हो वहाँ मैनेजमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो. तो इट इज क्वाइट मैंडेटरी फॉर यू दैट एवरी वर्क हैज बीन ड्यूली कोऑर्डिनेटेड. या सो ऑल दीज आर द फीचर्स आई हैव जस्ट रोट ऑल द हेडिंग्स थ्रू एनसीईआरटी. यू हैव टू गो विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला, मान लेना. तो कोऑर्डिनेशन में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. अगेन केस स्टडी आएगी. केस स्टडी में क्या आएगा? कि आइडेंटिफाई विच फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर डिस्कस इन द अबव केस. अब केस इतने बड़े बड़े होते हैं सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ऑल द केसेस, बट डेफिनेटली योर सब्जेक्ट टीचर आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड. दे विल फॉरवर्ड यू सर्टेन केस स्टडी सो दैट यू वुड बी एबल टू अचीव और वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच रिलेट्स टू योर बिजनेस स्टडीज. ठीक है, तो वो आप अपने टीचर्स आप हेल्प लीजिएगा. केस स्टडी वो आपको डेफिनेटली फॉरवर्ड करेंगे. ऑल द टीचर्स आर हैविंग, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना. तो फीचर्स आपके माइंड में और क्या रखना, एनसीईआरटी की हेडिंग रट्टा बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, चलिए हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए. अब ले रहे हैं अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. आप कह रहे हो कि मैम तो हर काम बोले जा रही है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना. हम बिजनेस स्टडीज में कुछ भी आप कर लो, बोर्ड में कहीं से कुछ भी आ जाता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब पहले हमें तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए. मेरे को तो मतलब भी समझ नहीं आता. अगर थ्रू विद द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग व्हाट आई रोट एसेंस. एसेंस का हिंदी ट्रांसलेशन अगर मैं लूँ तो इट सिंपली मीन्स सार. कि मैनेजमेंट का जो पूरा सार है वो कोऑर्डिनेशन. मतलब समझ में आया? मुझे तो नहीं आया. अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ. अच्छा, आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी में हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं? कौन से होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड? दिस बैक साइड, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड. अगर स्पाइनल कॉर्ड ना हो हमारी बॉडी में तो क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा. ये वुड बी लाइक अ हैंकी, हैंकरचीफ देखा है ना, इसके अंदर आप उसको फेंको और वो नीचे गिरा हुआ लेटा हुआ मिलेगा वो आपको. आप उसको खड़ा इतना मर्जी कोशिश कर लो हैंकरचीफ को खड़ा कर रहेगी, वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके अपनी खुद की कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है. हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसलिए हम स्टैंड हो सकते हैं. हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसीलिए हमारे जितने भी बॉडी में हम फंक्शंस कर रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा स्पाइनल कॉर्ड से चलता है.
तो चाहे वो कोई ब्रेन का एक्शन है, आइज का है, नोज का है, हार्ट का है, लंग्स का है, लेफ्ट का है, हैंड्स का है, ऑल आर लिम्ब्स, एवरीथिंग हैज बीन कनेक्टेड थ्रू आवर स्पाइनल कॉर्ड. तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो हमारा बॉडी, हमारी बॉडी किसी काम की नहीं. जब कभी पता ना करे, अभी ऐसा कुछ हो, किसी अगर स्पाइन पर अगर चोट लग जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पर्सन बिल्कुल बेडरिडन हो जाता है, फिर पता नहीं उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो यही इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन इज लाइक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट. अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता. तो काम को करना किस तरीके से, हमेशा हमें एक बार सोच के जरूर. एग्जाम के टाइम पर पहले मैं सोचती हूँ वो सब्जेक्ट करूँ जो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो मैंने नहीं करा, फिर जो मेरा मैक्सिमम पोर्शन कर लूँ, मुझे करना बाकी है, और जो मुझे अच्छे से आता है, जो लाइट लगता है सब्जेक्ट, और काफ़ी कुछ कर रखा है, वो मैं बाद में लेती हूँ. तो ये मैंने अपने आप से कोऑर्डिनेट किया कि मुझे अपने एग्जाम्स में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सो दैट आई कैन स्कोर बेटर मार्क्स. ठीक है ना, ये नहीं कि एग्जाम को देकर मैं काम करूँ. अगर एग्जाम वाले दिन पढ़ाई करने शुरू करोगे तो कुछ नहीं आना, तो वो नंबर जैसे आते हैं खराब वाले वैसे ही आएंगे. तो कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. डिड यू रिमेंबर मेन फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट वी डिस्कस यस्टरडे? व्हाट आर दोस फंक्शंस? यस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर द मेन फाइव फंक्शन जिसके वजह से मेरा मैनेजमेंट होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दिस कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ऑल दीज मेन फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, लेट अस सी. इसका मैं डायग्राम जो बना रही हूँ एक बार फटाफट बनाना है, ज्यादा वो नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि अच्छा डिपिक्शन बहुत जरूरी होती है हमारे बिजनेस स्टडीज में. तो ज्यादा मैं कोई बहुत डायग्राम वैसा नहीं बनाने कि मुझे किसी कार्ड का देखना, लेकिन हाँ बेसिक्स हमारे इसमें होने चाहिए, तो सो दैट यू कैन फेच बेटर मार्क्स. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, जब भी मेरा क्वेश्चन आएगा एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. और अब हम एक एक को समझाएंगे हाउ कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड विद प्लानिंग, हाउ कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड विद योर ऑर्गेनाइजिंग, हाउ कोऑर्डिनेशन विद योर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग. तो किस तरीके से मेरा जो कोऑर्डिनेशन है हर एक के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से की टर्म्स लिखूंगी, तो उसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको एक्सप्लेन करनी है. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जरूर 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 करना है. कोऑर्डिनेशन में कुछ भी पूछ लेंगे, बार बार बोल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि हमें जो पूरे पाँचों फंक्शन डिस्कस करने हैं, तो आई एम डिस्कसिंग कोऑर्डिनेशन विद द प्लानिंग पार्ट. ओके, so how this coordination is important in planning. Mera coordination planning mein kyon zaruri hai, hum kaise usko utilize karte hain. My first topic is, for first point is coordination and planning. Note kar lijiye na, ki main fatafat dab kar dunga, wait nahi karunga, to sath sath ye niche note hai down also. Theek hai, jab bhi hum plan karte hain we always think about different departments. प्लान करने से पहले जब भी हम प्लान, कुछ भी मुझे काम करना है तो मैं काम करूंगी कैसे. जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, या वहाँ पर मैं हूँ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड एचआर. मुझे अगर फैक्ट्री में कोई भी काम करना है, कोई भी काम करने के लिए मुझे सबसे डिस्कस करना पड़ेगा. मार्केटिंग हेड से पूछूंगी कि मार्केट में डिमांड कितने की है, मुझे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. ठीक है, उसने मुझे बोला कि सर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करिए, और उसमें प्रोडक्ट में ये सर्टेन चेंजेस कर लीजिएगा ताकि हमारा सामान मार्केट में अच्छे से बिके, ये मार्केट में नया लॉन्च होने वाला है. ठीक है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मार्केटिंग से पूछा गया, मार्केटिंग ने अपनी एडवाइस दी, एडवाइस के साथ बताया कि हमें क्या क्या चेंजेस करने प्रोडक्शन में. तो मार्केटिंग की बात किससे होगी? प्रोडक्शन वाले से होगी, डेफिनेटली इसको इंटीमेट करना पड़ेगा. अब इतने यूनिट बनाने के लिए फाइनेंस वाले को भी तो आपको रिसोर्सेज देने हैं,
ठीक है, आपको कितना स्टाफ आपको चाहिए वो भी तो डिस्कस होने जा रहा है। यानी कि प्लान करते समय, बजट बनाते समय मुझे हर चीज का ध्यान रखना है कि अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव 10,000 यूनिट्स का है तो उसके लिए उसको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो सैलरी कहाँ से आएगी, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कितना मुझे कैश सेल करना है, कितना मुझे क्रेडिट सेल करना है, कितना मुझे लोन लेना है। तो एवरीथिंग यानी किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में हम जब भी सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो हमें सभी डिपार्टमेंट के बारे में सोचना जरूरी है। सो हियर यानी कोऑर्डिनेशन तो मेंटेन हो रहा है प्लान करते समय। प्लान करते समय जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वी ऑलवेज हमारा की टर्म आएगा क्या, कीपिंग इन माइंड द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी, उसको अंडरलाइन जरूर करना है। और अंडरलाइन करते समय ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, स्केच पेन यूज करना है। आप उसको एक्सेप्ट रेड स्केच पेन या ग्रीन स्केच पेन, आप उसमें कौन सा स्केच पेन, आप उसको कोई भी डार्क कलर का स्केच पेन ले लीजिए, आप ऑरेंज कलर का ले लीजिए या कोई भी आप फ्लोरेसेंट कलर ले सकते हैं, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए क्या क्या उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज प्लानिंग क्या हो गया कि इट इज रिक्वायर्ड कि व्हाट एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्लियर, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइज कोई भी काम करना तो उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अब हम उसमें काम को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल अभी हमने जो लिया था उसी को मैं लेकर चलूंगी कंटिन्यूअसली। प्रोडक्शन में हम लोगों ने कहा सोचा था प्रोडक्शन के अंदर वी डिस्कस टायर कितने बनने वाले हैं, देयर आफ्टर हमारे इंजन कितने बनने वाले हैं, हमारे इंटीरियर्स इंटीरियर्स कितने होने वाले हैं, बॉडी कितनी प्रिपेयर होंगी, एंड लास्टली असेंबलिंग। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की थी, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया, काम को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, अलग अलग काम को मैंने डिसाइड कर लिया काम करना क्या है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता लग गया है कि उसने क्या बनाना है, लेकिन वो काम किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो सेम डिपार्टमेंट में जब सब डिविजन होती हैं और उनकी वेरियस एक्टिविटीज को हम हार्मनी ब्रिंग विल ब्रिंग हार्मनी इन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सब डिविजन्स, दैट इज नोन एज दिस इज योर कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो किस तरीके से वो काम में डिफरेंट एक्टिविटीज इज अलॉटेड टू डिफरेंट पीपल इन द सेम डिपार्टमेंट। सो माइंड इट, हियर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कोऑर्डिनेटिंग meeting or the coordinating the various activities, यहाँ काम क्या क्या करना है, तो ये हम लोगों ने decide कर लिया, अलग अलग activities हमने बना ली, different activities as well as different various people, how that we are going to define it, various people within the same department. हमारे यहाँ पे क्या बात है अभी, point पे noted, various activities among various people and within the same department. The key terms that we used to highlight while explaining the thing. कि अलग अलग काम अलग अलग लोगों को देना है सेम डिपार्टमेंट के अंदर, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, हम किस तरीके से उस काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, हाउ द वर्क इज बीन अलॉटेड। या नाउ आई होप दैट आपने लिख लिया होगा क्या ध्यान से, पर आपको ब्यूटी पर मिल जाएगा तो उस पर जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, देन द थर्ड हमारा जो आता है फंक्शन कौन सा था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंड
स्टफ. जब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग की, तो बट आप ऐसे बात है, स्टाफ का मतलब है वी नीड टू प्लेस राइट पर्सन एट द राइट पोस्ट विद द राइट क्वालिफिकेशन एंड एट द राइट टाइम. सही पर्सन सही पोस्ट पर सही टाइम पर और सही क्वालिफिकेशन के साथ. क्या मतलब है? अगर कोई भी ओवर मान लेते हैं आई हैव डन माई सी ए, और सी ए बनने के बाद अगर मैं टीचिंग की मुझे लाइन मिलती है, वुड आई एंजॉय माई फील्ड? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आई एम ओवर क्वालिफाइड. मुझे सी ए का काम करने में जो मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो मुझे टीचिंग में नहीं मिलेगी. सिमिलरली अगर मुझे बी एड का काम मिला है, बी एड का मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और मैं तो टीचर बनाने के बजाय उन्होंने मुझे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे दिया, तो वुड आई एंजॉय माई एक्टिविटी? नो. तो स्टाफिंग में क्या जरूरी है? सही पर्सन राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड विद द राइट क्वालिफिकेशन. तो दीज आर द मोस्ट फोर की पॉइंट दैट यू ऑलवेज टॉक अबाउट स्टाफिंग. सो हम प्रॉपरली ढंग से करेंगे. ओके, सो कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारा जो आएगा विच शोज efforts to fill all the position. Position मतलब क्या? जितनी भी हमारी सीट्स हैं. Position with capable and experienced staff. तो किस तरीके से मुझे experienced staff चाहिए? किस तरीके से मुझे वो capable इंसान मिलेगा? क्या मुझे विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा? मे बी थ्रू ट्रांसफर आई कैन ब्रिंग दैट पर्सन, प्रमोट कर दूँ मैं किसी को, या मैं किसी बाहर से किसी एक क्वालिफाइड पर्सन को मैं हायर कर रही हूँ. तो किस तरीके से मैं अपना काम अपनी पोजीशन सारी फिल कर रही हूँ ताकि आई वुड गेट द बेस्ट स्टाफ. याद रखनी, अगर किसी भी कंपनी का स्टाफ अच्छा है तो ही वो कंपनी ग्रो कर सकती है, अगर स्टाफ अच्छा नहीं है तो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती है. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग. एक एक का समझा रही हूँ और ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, तो करना जरूर है. ओके, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का लोगों को बताना है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना. इट मीन्स दैट वी आर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस. नॉट ओनली इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, रादर वी नीड टू मोटिवेट द पीपल कि बेटा काम करो. अब एग्जाम टाइम पे क्या होता है, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो? आप टीचर यार देते हो ना, तो चाहे वो स्कूल टीचर हो चाहे वो ट्यूटर हो, बट यू ऑलवेज लुक फॉर अ टीचर. अगर टीचर नहीं मिल रहा है तो यू लुक फॉर अ फ्रेंड जो आपको समझा सके काम को करना कैसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे, वरना पेपर छूट जाएगा. सो दिस इज योर डायरेक्टिंग. सो डायरेक्टिंग में वी हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस कि जब मैं किसी को इंस्ट्रक्शन इशू कर रही हूँ, किसी को काम बता रही हूँ, पहली बात वो बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस मतलब क्या? किसी को बहुत ज़्यादा काम देना और किसी को बहुत कम काम देना, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो नो वन शुड बी ओवर बर्डन एंड नो वन शुड बी सिटिंग आइडल वेला बैठा हुआ काम नहीं कर रहा. तो देयर शुड बी अ बैलेंस. और जब मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तो उसका इफेक्ट बाकी सब कोऑर्डिनेट्स पे क्या पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डायरेक्टली हम कहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. कोऑर्डिनेटिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इन इशूइंग ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट एंड लुकिंग एट इट्स इफेक्ट ऑन वेरियस सबऑर्डिनेट्स. उनके ऊपर उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. एक को काम दिया और उसका दूसरा बंदा उसको देखकर के ही सीख रहा. या सो यहाँ पर हमारा की टर्म क्या बन जाएगा? दैट इज इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू subordinates and seeing its effect on other people. कि एक को कहा और दूसरे ने समझा. तो किस तरीके से orders and instructions forward किए जा रहे हैं और दूसरों के ऊपर इसका क्या effect हो रहा है? That is important. क्योंकि डायरेक्शन इस तरीके से दी जाए. हम क्लास में भी तो ऐसे करते हैं ना, क्लासरूम में क्या होता है कि अगर बहुत से बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको जाकर के डांटना शुरू कर देगा. पहले एक बार जनरल डांट पड़ेगी, फिर जिसने सबसे ज़्यादा खराब काम किया होगा
उस बच्चे को खड़ा करके सबसे ज्यादा उसको बदलना है। एक को डांट पड़ती सर के सब शांत हो गए, क्या मतलब है? एक से बात करी या एक को मैंने कुछ कहा, वो मैसेज मैंने सबको कन्वे कर दिया। दैट इज योर कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। एक बार एक इंस्ट्रक्शन दे दी गई है क्या करना है कैसे करना है, वो सबको समझ में आ जाना चाहिए, बार बार ना कहना पड़े। तो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। क्लियर? नाउ द लास्ट कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेट करना है और कंट्रोल करना है। ये इंपॉर्टेंट है। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? कि भाई काम मेरा, टारगेट मेरा अचीव हो रहा है कि नहीं। लेकिन टारगेट आपका अचीव तो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टारगेट अचीव करने से पहले आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि टारगेट जो मैंने रखा, मैंने प्लान फॉर्मुलेट करे, प्लान तो मैंने बना लिया कि मुझे इतने यूनिट्स बनानी है, तो क्या उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे गए? अगर स्टाफ को काम करना नहीं आ रहा तो क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई? क्या उतनी मशीनें, जितनी मशीनें की रिक्वायरमेंट है उतनी मशीनें वहाँ पर दी गई? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी है कि नहीं? यानी कि काम को पूरा करवाना है, ऑब्जेक्टिव को अगर आपने पूरा करवाना है तो क्या आपने अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करवाए या फिर नहीं करवाए? दैट मैटर्स। क्लियर? सो हियर हाउ डू वी कंट्रोल, सो हियर वी कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज अवेलेबल एंड टू दोस ऑब्जेक्टिव्स जो आपने अचीव करना चाहे उसके लिए, एंड ह्यूमन एफर्ट्स तो उतने लोग और उतने रिसोर्सेस क्या आपने प्रोवाइड करे? ह्यूमन एफर्ट्स तो उतनी मेहनत की गई, रिसोर्सेस प्रोवाइड करे तो उतनी मेहनत की गई। अब हम उतनी बात करें व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल क्या कर सकता है? ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है, टीचर्स प्रोवाइड करा सकता है। नाउ स्कूल हैज टू कीप अ चेक कि वेदर द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लर्निंग और नॉट। अब वो कैसे करेगा, वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देना इज नॉट सफिशिएंट। वी हैव टू मॉनिटर वेदर द क्लास इज बीन एक्चुअली फ्रूटफुल और नॉट। फ्रूटफुल तब होगी जब बच्चे उसको देखेंगे, देखने के बाद उसको समझेंगे। तो किस तरीके से कंट्रोलिंग स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा? थ्रू एग्जाम्स। मे बी हो सकता है कि जब स्कूल रीओपन हो उस समय आपका एक शॉर्ट टेस्ट दे दिया जाए या कोई एक नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा सकता है जो कि आपके पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट किया जाए कि हाँ जी वहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चा ड्यूटी स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन दैट केस वी कैन और टीचर्स कैन कॉन्टैक्ट देयर पेरेंट्स ताकि बच्चे के ऊपर थोड़ा सा पकड़ रख सके कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? तो दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। सो वी हैव लर्न हाउ कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट हर पाँचों फंक्शंस में है, पांच फंक्शन के अगर मैनेजमेंट अधूरा और कोऑर्डिनेशन के बगैर मैनेजमेंट बेकार। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं तो मैनेजमेंट भी नहीं। तो अब हमारा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक खत्म हो गया। नाउ वी आर कमिंग एट द जिस्ट, सिर्फ उसको समराइज करेंगे यानी कि एक बार डिस्कस करेंगे व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, और जिस्ट लेते ही टॉपिक ओवर यानी कि चैप्टर भी ओवर। क्लियर? चैप्टर भी ओवर। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार वाइंड अप करेंगे और थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे पहले साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छा इतना मुझे बताओ, अगर जितनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारे में उतना आसान कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम, क्योंकि बहुत कम लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा,
लोग ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा ग्रुप्स बनेंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बनेंगे, यानी कि नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस। आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम नहीं हो सकता। तो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन की हम बात करें, डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कि एज साइज इंक्रीजेस, इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होगा? स्पेलिंग में बड़ी गलती हो गई तो प्रॉब्लम नहीं है। अब सब मतलब है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है? जब हमने हर एक के फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हम अपना ये नाम दिया, देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ टाइम टेबल, वो जल्दी समझ में आएगा। इसने पहले इसको दिया हमने, फिर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। And my, in the examination, you are not supposed to give the examples that relate to your family or school. You have to give the example from business point of view. तो किस तरीके से आप उसको अरेंज करते हो वो मैटर करता है। तो घर के एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए दिए जाते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैम प्रॉपरली, बट वाई राइटिंग द आंसर यू हैव टू इलस्ट्रेट द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ टाइम टेबल। हम फंक्शन, हर फंक्शन को मैंने अपना अपना काम दे दिया, तो मुझे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली मुझे मालूम है कि इंग्लिश के टाइम फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का कौन कौन सी क्लास में है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स को और स्टूडेंट को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई भी कंफ्यूजन या कोई झगड़ा नहीं होता। तो ये क्या है, आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आई कैन से इट हेल्प्स मी इन अवॉइडिंग क्लैशेस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर मैं बिजनेस से रिलेट करूँ तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इन चारों में जब कोऑर्डिनेशन है तो हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करने वाला है, मार्केटिंग वाला सामान को बेचने वाला है, फाइनेंस वाला कॉस्ट का, यानी कि फाइनेंस का पूरा रिकॉर्ड करकेगा कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स क्या मुझे कितने लोग ऑलरेडी हैं और कितने लोग मुझे और चाहिए, किसका प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफर करना है, किसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है, वो सब हमारा एचआर करता है। तो यानी कि उन्होंने जो तरीके से बीच में कोऑर्डिनेशन बना रखा है ना, तो हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द क्लैशेस, कोई क्लैश नहीं होता है। क्लियर? उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन। कोई भी पर्सन अकेले सारा काम नहीं कर सकता, करते ही नहीं। हम लोग काम को करना है ना, तो काम को डिवाइड कर दो, काम जल्दी हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें बात किया था टायर, बॉडी, इंजन एंड इंटीरियर्स एंड असेंबली, अब सबको ये काम मैंने दे दिए, तो टायर बनाने वाला इस काम को करने में स्पेशलाइज हो जाएगा, बॉडी किस तरीके से बनानी है वो इस काम में स्पेशलाइज हो रहा है, इंजन किस तरीके से बनाने हैं, इंटीरियर की फिटिंग किस तरीके से हो रही है, कौन कौन से मॉडल में कैसे कैसे इंटीरियर रखने हैं और उनकी असेंबलिंग कैसे करनी है, हर पर्सन अपने काम में स्पेशलाइज है। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है काम को सीखने में, लेकिन जैसे जैसे आप एक काम की प्रैक्टिस करते जाते हो, यू गेट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप पहले इफेक्टिव होते हो, यू अचीव योर टारगेट। मे भी हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन वी बिकम एफिशिएंट, अचीविंग मोर एट लीस्ट कॉस्ट। तो टारगेट भी अचीव हो गया और मेरा काम भी हो गया, तो कम कॉस्ट पे काम करना, एफिशिएंसी हमारी कहाँ से आती है, स्पेशलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन हेल्प्स मी टू ब्रिंग इन। क्लियर? एंड देयर आफ्टर इट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
तो हम ये तो हम डिस्कस बिल्कुल ले पॉइंट में कहा था, आपको समझ में आ रहा है दैट ऑल आवर डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग के बगैर बेकार है, प्रोड्यूस करते जाओ सामान बिका नहीं, नो यूज ऑफ इट. सामान बनाना है, फंड्स अवेलेबल नहीं है या स्टाफ इनसफिशिएंट है, काम नहीं हो सकता. सो ऑल आवर डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड. अब वो इंटीग्रेटेड जो हमारा जो ये बैलेंस है वो कौन लेकर आ रहा है, हार्मनी कौन लेकर आ रहा है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन, कि काम को किस तरीके से बेस्ट वे से हम काम को कर सकते हैं. सो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन. सो बाय दिस आवर टॉपिक इज कम्प्लीट, आवर चैप्टर इज कम्प्लीट. तो हमें आप एक बार सब जिस्ट ले रही हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, ताकि अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस मैं बता सकूँ. तो याद रखिएगा, अगेन बार बार बोल रही हूँ, ट्वेल्थ में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमें केस स्टडीज, तो केस स्टडीज भी ये नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं कि अनसीन पैसेज वैसे ही आता है. तो यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, यू हैव टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड दिस पैराग्राफ ऑन द केस स्टडी है बेटर. क्लियर? तो वो केसरी तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन एक बार हाँ टॉपिक्स हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट, मीनिंग हमें डिस्कस किया था मैनेजमेंट क्या होता है, कि लोगों से काम करवाना बेस्ट तरीके से, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. आई होप दैट दिस डिफरेंस इज बीन क्लियर टू एवरीवन. काम को अचीव करना और कम कॉस्ट में करना. Thereafter we discussed nature of management. हमने discuss किया था management as an art, management as a science, and management as a profession. And we learned कि हाँ जी पूरा art है, impure. मतलब मैं इसको बोलूँ तो it is not an exact science, but profession तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा management. Thereafter we learned about the objectives of management, where we categorize them into organizational objectives, social objectives and personal objectives. Objective company ke khud ke liye, society ke liye aur apne employees ke liye. Ki employees ka kya chahta hai, achhi salary chahta hai, acha environment chahta hai, aur kya usko medical facility mil jaye, bachcho ke liye padhai ke liye education facility mil jaye. एम्प्लॉय को और कुछ नहीं चाहिए होता. ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल. आजकल हम इसको लोअर लेवल नहीं बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल हम उसको कहा जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, पहले तो ये पूछेंगे, उसके बाद उस लेवल पे काम करते हैं व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस दैट यू हैव टू परफॉर्म इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर. एंड लास्टली टुडे वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे इसका एसेंस, हाउ कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया. तो अगेन दे ऑल आर इम्पोर्टेंट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.